हेलो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 10 वाले, वो सभी लोग लाइव आ जाएं। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं और आज पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14 के ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर लाइट कलर लिखा हुआ है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी के चैप्टर से लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर अगले। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देख लिया है और उन दोनों वीडियो में आप लोग को क्लियर करा दिया गया था तकरीबन 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो बचे क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को अटेंड नहीं कर पाए हैं तो रिक्वेस्ट है उनको फ़ोन करके या किसी माध्यम से या उसको वीडियो शेयर कर दीजिए उनके पास में, जिससे कि सभी बच्चे वीडियो को लाइव देख सकें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब अध्याय 14 रहेगा ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें आप सभी को हम कुछ क्वेश्चंस करवा चुके हैं तो आज क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे कि नाभिकीय विखंडन का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। अब जो नाभिकीय विखंडन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन का महत्वपूर्ण उपयोग है मानव कल्याण हेतु रचनात्मक कार्यों जैसे विद्युत उत्पादन आदि कार्य करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो विद्युत का उत्पादन आजकल हो रहा है, ये विद्युत या नाभिकीय रिएक्टरों के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा सा स्रोत होता है हमारा। आप सभी को मालूम है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले कोयले के द्वारा या ठीक है एनर्जी को उत्पन्न किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, लकड़ी का यूज भी, मान लीजिए लकड़ी कम होती जा रही है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसके कम या उस वे कम हो रहे हैं, तो उसी के रूप में या फिर मान के चलिए एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में ये प्रयोग किया जा रहा है। और अधिकतर इसका उपयोग जो होता है वो विद्युत उत्पादन के काम में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को बता रखा है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो किसी तत्व विशेष के दो या दूसरे अधिक ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, वह समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है 92 यूरेनियम 235 और अगला होता है 92 यूरेनियम 238, ठीक है। अगर इसके पहले आप लोगों ने क्लास नहीं लिया है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं क्लास में, तो नीचे लिंक दिया गया है दोनों वीडियो की, पार्ट नंबर 2 की, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 पे जब लोग जाएंगे तो पार्ट नंबर 1 की लिंक आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप लोग आई बटन पे क्लिक करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें, चूँकि लॉकडाउन है, इस समय चल रहा है, कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और घर बैठे आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जिन जिनके पास में सुविधा उपलब्ध है सभी को शेयर करते रहिएगा। और कक्षा 9 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, चूँकि यही क्लास उनको पढ़ना है आगे जा करके, तो 9 वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चूँकि अब देखिए स्कूल खुलने का कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही इधर जून जुलाई में, ठीक है, तो अगस्त में संभवतः 15 अगस्त के बाद में स्कूल खुलने वाला है, तो सभी बच्चे जो भी हैं वो पढ़ाई करते रहें, 9 वाले भी 10 की पढ़ाई करें, 10 वाले भी 10 की पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो चलिए, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे कक्षा 10 में हैं वो 10 पढ़ें और 9 वाले भी 10 की पढ़ाई करें, जब तक के लिए ये ऑनलाइन क्लास आपको दी जा रही, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास आपके लिए मिलेगी तो आप लोग कक्षा 9 की पढ़ाई करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि ऊर्जा के किस रूप में, ठीक है, ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, ठीक है। जो ऊर्जा होती है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है वो तरंगों के रूप में जाती है। इन ऊर्जा तरंगों का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। ऊर्जा की सभी तरंगों का उद्गम सूर्य से ही होता है, ठीक है। जितने भी ऊर्जाएँ, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं वो सभी सूर्य से ही होती हैं। अगर सूर्य न हो, अगर आप थोड़ा सा कल्पना करें, अगर सूर्य न हो तो जो हमारा भोजन का निर्माण, जितने भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण कर लेते हैं, वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे और जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। तो समस्त ऊर्जा का स्रोत अगर माना जाए तो क्या है, सूर्य ही होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, ठीक है। ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या होता है, आप सभी को मालूम है सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या होता है, प्राकृतिक ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है,
सूर्य होता है जो कि असीमित वर्षों तक, असीमित समय तक हमको एनर्जी देता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य की फरंग की होती है दृश्य प्रकाश में। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में आप सभी को मालूम है 7 रंग होते हैं और विबग्योर उसका फार्मूला होता है याद रखने का। ठीक है, वायलेट होता है और आखिरी में रेड होता है, तो शुरू में वायलेट होता है आखिरी में रेड होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, यानी सबसे कम की अगर बात कर लें, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, बैंगनी रंग की होती है। आप लोग याद देखिएगा, जो हमारा रेनबो होता है उसमें 7 कलर होते हैं, वही हमारा दृश्य प्रकाश होता है। इन्हीं 7 रंगों को हम लोग देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है। ठीक है, तो रेड कलर की होती है। आप लोग याद रखिएगा, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। तो विब में वी पहला आता है, वायलेट सबसे कम होता है और आर आखिरी में आता है। ठीक है, तो आर हमारा क्या होता है, रेड होता है, जो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पेपर में आप सभी के बहुत महत्वपूर्ण आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं कि प्रकाश की कौन सी तरंगों, ठीक है, तिरंगे, एक चीज़ देख लेते हैं, सही कर लेते हैं कि प्रकाश में कौन सी तरंगों में गर्म करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी तरंगे होती है जिनमें गर्म करने का गुण पाया जाता है, तो प्रकाश की अवरक्त तरंगों में, ठीक है, गर्म करने का गुण पाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रखता है, याद रखिएगा, क्योंकि आ भी सकता है, ये NCERT वाले सभी क्वेश्चन हैं और ये अच्छी अच्छी बुक के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बालाजी बुक के हैं, विद्या बुक के हैं, ठीक है, और नवीन की बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये कुल मिला के आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे NCERT के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों में क्या होता है, गर्म करने का गुण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा को किन किन रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है सौर पैनल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो किन किन रूपों में किया जा सकता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा यानी अगर जैसे आप सभी लोग मालूम है सोलर कुकर वगैरह होते हैं, वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अगर हम लोग उसको चार्ज कर लेंगे या फिर उससे प्रकाश उत्पन्न जैसे कर लेंगे, जिसे बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे लाइट वगैरह होती है, उनको एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, विद्युत के रूप में भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आदि इन सभी के अतिरिक्त भी और सारी होती हैं, उन सभी के रूप में जो है तो हमारा सौर ऊर्जा को रूपांतरित भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं कि उन तत्वों के नाम लिखिए जिनका उपयोग सौर सेल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो उन तत्वों का नाम बताना है कि जिनका उपयोग सौर सेल के रूप में किया जाता है, सौर सेल। ठीक है, आप सभी को मालूम है सौर सेल जो सौर पैनल होते हैं उसमें ब्लैक कलर के होते हैं, कई सारे लगे होते हैं, जिनका बड़ा होता है उनमें बहुत सारे होते हैं, वही सौर सेल कहलाते हैं, जिसको सोलर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, किसका, जिनका उपयोग सौर सेल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, उन तत्वों का नाम बताना है। ठीक है, तो सौर सेल सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन तथा गैलियम, ठीक है, गैलेनियम का बना होता है। ठीक है, जैसे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पूछ ले कि सौर सेल जो होता है वो किससे बना होता है, तो हमारा जो होता है वो सिलिकॉन तथा गैलेनियम जैसे अर्धचालकों के द्वारा के पदार्थों से बना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि हमारी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी जो पृथ्वी है और सूर्य के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस होती है वो 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर जो है हमारी सूर्य पृथ्वी से दूरी पर है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, अगला लिखा कि सूर्य का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो 1029 टन होता है। ठीक है, 1029 टन, ठीक है, होता है, ये चीज़ सभी लोग एक याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि सूर्य कितने वर्षों तक जल रहा है। ठीक है, कितने वर्षों से जल रहा है, अगर ये बात कर लें तो जीवाश्मी या जीवाश्मों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सूर्य पिछले 7 से 8 अरब वर्षों से प्रदीप्तमान है। यानी आज की पृथ्वी से कुछ अगर बात कर ले हम लोग 7 से 8 अरब वर्ष पहले,
ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारे काल हैं सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, ठीक है, कलयुग इसमें चल रहा है। तो जितने भी हमारे तीन युग बीत चुके हैं उस समय से भी सूर्य था और आज भी है, अनंत काल तक सूर्य रहेगा, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 अरब वर्ष पहले से प्रदीप्तमान है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूर्य का संपूर्ण, ठीक है, सूर्य का संपूर्ण दबमान प्रायः किस तत्व के कारण होता है, ठीक है, किस तत्व के कारण होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया संपूर्ण दबमान जो होता है वो हाइड्रोजन के कारण होता है, ठीक है। संपूर्ण दबमान किसके, हाइड्रोजन के कारण होता है। चलिए लास्ट आखिरी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूर्य से विकृत दो अदृश्य प्रकाश किरणों के नाम लिखे, ठीक है। सूर्य से विकृत दो अदृश्य प्रकाश किरणों के नाम बताना है। तो सूर्य से विकृत दो अदृश्य प्रकाश किरणें हैं, एक है पराबैंगनी तथा एक है अवरक्त प्रकाश किरणें, ठीक है। तो ये दो किरणें हो गई, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सूर्य की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊपरी सतह पे जो है लगभग के लिए 1.36, ठीक है, 1.36 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड प्राप्त होती है, यानी इतनी ऊर्जा प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है, यानी एक वर्ग मीटर में एक सेकंड में इतनी जूल एनर्जी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। इसका कुछ भाग अंतरिक्ष में परावर्तित भी हो जाता है तथा कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ओजोन, धूल तथा CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आया हो तो आप लोग क्वेश्चन को पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप सभी लोग को बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि जितना हमने पढ़ाया है आप लोगों को उन सभी का नोट बनाइएगा आप लोग, ठीक है, उसको याद करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको हमसे फिर डिस्कस करिएगा। और एक चीज़ और बताते, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी बच्चे छूट गए हैं 2-3 दिन से क्लास ले नहीं पा रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करिएगा, जिस माध्यम से आप लोग पहुँचा सकते हैं तो प्लीज़ पहुँचाइए वीडियो को, चूँकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे थे, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे घर पे बैठ के और सोच रहे थे कैसे पढ़ें, तो उनकी समस्या को देखते हुए हम ये पूरी क्लास लेकर के आए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो भी वीडियो को या अगल बगल, ठीक है, जो भी अपना स्कूल का है या कोई अदर स्कूल का है, वो कक्षा 10 में है या कक्षा 9 में है, और एक चीज़ रिकमेंड कर दूंगा कक्षा 9 वालों के लिए कि कक्षा 9 वाले बच्चे जो भी हैं, जब तक के लिए क्लास उनकी नहीं चल रही, स्कूल नहीं खुल रहा है, सॉरी, वो अपना जो है कक्षा 10 की पढ़ाई करते रहें, और जो भी दिक्कत है उन दिक्कत का समाधान भी आप लोग को करा जाएगा। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर या हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस जो हैं, आपके जो भी दिक्कत है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, निसंकोच आपकी हेल्प करी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस वीडियो को जो भी मैं आपको तीसरी क्लास लेकर के आया हूँ, ठीक है, इसके पहले जब तक दूसरी और पहली दूसरी जो भी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, अगर बच्चों को जो है वीडियो नहीं प्राप्त हो पाई है, जो भी बच्चे अभी नहीं जान पाए हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को ये क्लासेस शेयर कर दिया करें। जैसे ही हम आपके सामने आते हैं या 8 बजे के पहले ही आप लोग चैनल पर जा कर के, ठीक है, वहाँ से क्लास को रेफ़र कर दीजिएगा, ठीक है, हम फिर तो आप लोग 8 बजे वाली क्लास लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से अब मैं लेता हूँ अलविदा, फिर नेक्स्ट क्लास के साथ तो मिलूँगा। और जाते जाते अभी बता दूँ, ठीक है, अगर अभी तक वही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे मैं कोई क्लास लेकर के आऊँ उसका आप लोग को फेंड ना करना पड़े, सीधा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। और सभी बच्चे 8 बजे मोबाइल लेकर के ज़रूर बैठें, चूँकि 8 बजे लाइव क्लास आती है विज्ञान की। और मैं धीरे धीरे आपके सारे महीने 2 महीने में 3 महीने में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक आपका क्लियर करा दूँगा, ठीक है। तो आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।